मेरा नाम मोहम्मद अहमद शवकार है और मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। पहले मेरी बीमारी जो थी वो इलाज के काबिल थी, लेकिन अब वो बीमारी ला इलाज है। हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग का एक ईमान है कि जाना मरना सबने। मेरी ज़िंदगी जितनी लिखी है वो लिखी है। मैं बीमार होकर भी मुझे उसी टाइम पर जाना है, सही होकर भी मुझे उसी टाइम पर जाना है। तो फिर जितना टाइम मेरे पास है मैं उस टाइम को इन्जॉय करूँ, ना कि ये चीज़ सोचूँ कि फिर वो मुझे जो है मैं इस चीज़ के ऊपर हूँ या मैं रो रहा हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। 2019 जनवरी में मुझे डायग्नोस हुआ था लेफ़्ट स्कैपुला पे मेरे ट्यूमर, इविंग सार्कोमा है मुझे। तो उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई और फिर मेरी ये बोन निकाल दी लेफ़्ट शोल्डर की, स्कैपुला निकाल दिया मेरा। उसके बाद मैं मुझे पहले 8 साइकिल्स कीमो मिली, फिर उसके बाद फिर मुझे 6 साइकिल्स मिली सर्जरी के बाद पोस्ट कीमो। उसके बाद मैं सही हो गया था। फिर मुझे फरवरी में 2020 के अंदर यहाँ राइट आर्म में फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद फिर मुझे रिलैप्स ऑफ ट्यूमर हो गया और फिर अब मैं पैलिएटिव केयर पे हूँ। पैलिएटिव केयर ये चीज़ होती है कि वो लोग जिनका इलाज नहीं हो सकता या जिनका इलाज आगे नहीं है मुमकिन, तो फिर वो आप उन्हें छोड़ ना दें, आप उनकी केयर रखें। पैलिएटिव केयर का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने उसकी ज़िंदगी को बढ़ा देने, जितनी भी उसकी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में उसकी जितनी भी सफरिंग है, जितनी भी उसकी मुश्किलात हैं या तकलीफ़ है उसको कम करना है। कि वो मरीज़ जो कि इस बीमारी से दोचार हुआ है उसको हमने एक्स्ट्रा लेयर ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है, जिसमें सिर्फ उसकी हमने मेडिकल नीड्स को नहीं देखना, हमने उसकी नॉन मेडिकल नीड्स को भी देखना है। दवाइयों के अलावा हमने उसकी वो तमाम ज़रूरियात को देखना है जो कि ओवरऑल उस पेशेंट की और उस फैमिली की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही होती हैं। मैं रोता था, बार बार तकलीफ़ मुझे होती थी, तो मुझे डॉक्टर ये समझाते थे ये चीज़ कि अगर मैं जो है इस तकलीफ़ को रोने बैठूँगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे पूरी ज़िंदगी इस तकलीफ़ के साथ चलना है। मुझे डॉक्टर्स ने छोड़ा नहीं, मेरी तकलीफ़ को कम करने के लिए उन्होंने मुझे सारी मेडिकेशन दी, सब किया। हालाँकि मैं मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हूँ उन लोगों के लिए, वो ज़रूरी है जिनके कैंसर का इलाज हो रहा है, वो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो लोग हैं। इंडस हॉस्पिटल में मेरा जितना भी ट्रीटमेंट हुआ वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, मेरी जितने भी और अभी तक जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो बाकी हॉस्पिटल में भी ये चीज़ होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए पैलिएटिव केयर के ऊपर। जैसे मेरी तरह के और पेशेंट्स होंगे तो मैं उनको भी ये चीज़ बोलूँगा कि पैलिएटिव केयर पे आए आप तो आपको तो अपनी ज़िंदगी और बेहतर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई आपको जितना टाइम पीरियड अल्लाह ताला ने दिया है, अब वो हो सकता है 20 साल हो, 40 साल हो, जितने भी हो, तो आप वो 20 साल और 40 साल को एंजॉय करें, जो आपका दिल चाह रहा है वो चीज़ करें। पैलिएटिव केयर पे आने के बाद मेरे तो मदे ट्रीटमेंट में तो मैं मिला हूँ यूनस खान से मिला हूँ, और शायद अफरीदी से मिला हूँ, शरिया मुनवर से मिला हूँ, यूसुफ बशीर कुरैशी से मिला हूँ YBQ से, और रजा समो से मिला हूँ, और यंगस्टर दो हैं, एक तला यूनस एक तला अंजुम, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। उसके अलावा मेरा कोई गोल नहीं है दूसरा ज़िंदगी के अंदर, ना मैंने गोल पढ़ाई की तरफ से मैंने गोल बिल्कुल भी नहीं बनाया, इस सब मैं इंजॉय कर रहा हूँ सिर्फ और आराम कर रहा हूँ। जो पैलिएटिव केयर पे बच्चे हैं उनको तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें कि अगर जब उन्होंने आपको एक चीज़ पे आपका ईमान है कि आपने दुनिया से तो जाना है, तो आपने जब इस साल में जाना है तो अगर आपने दुनिया में तकलीफ गुजारी है तो फिर आप आगे सुकून से होंगे। हम लोगों का तो ईमान यही चीज़ है ना। और जो लोग सही हैं और छोटी छोटी बात पे टेंशन पे आ जाते हैं, उन लोगों को मैं ये बोलूँगा कि फ़िक्र और टेंशन वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अपने बहन भाइयों और वालदेन को एक ही चीज़ बोलूँगा कि थैंक यू फॉर योर टाइम, जो टाइम उन्होंने मुझे दिया, जो बातें उन्होंने मेरी सही या जो तकलीफ़ उन्होंने मेरी सही, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं करता था यार। तो मैं फैमिली को सिर्फ मैं यही करना चाहूँगा कि मैं प्यार आप लोगों से बहुत ज़्यादा करता हूँ, और थैंक यू फॉर योर टाइम और थैंक यू फॉर योर लव।